हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैंगो आइसक्रीम बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने आम को छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम ब्लेंडर जार लेंगे और इसमें हम आम को डाल देंगे और इन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने अमूल का फ्रेश क्रीम लिया है, इसे हम एक बाउल में डाल लेंगे। ब्लेंडर की हेल्प से इन्हें थोड़ी देर फेंट लेंगे। फेंटने के बाद इनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और ये क्रीमी दिखने लगेंगे। अब इसमें हम आधी कटोरी पाउडर शुगर ऐड कर देंगे और इन्हें भी हम थोड़ी देर फेंट लेंगे। 200 ml फ्रेश क्रीम में मैंने आधी कटोरी पाउडर शुगर ऐड किया है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हो तो थोड़ी सी मात्रा बढ़ा दें। अब हम इसमें मैंगो पल्प ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर। अब इन्हें भी हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। 2 मिनट फेंटने के बाद ये गाढ़ा गाढ़ा सा मैंगो क्रीम तैयार हो गया है। तो इससे सबसे पहले हम बच्चों के लिए मैंगो मिल्क बनाएंगे। तो इसके लिए हम ग्लास में आइस क्यूब डालेंगे और इसमें हम चिल्ड मिल्क डाल देंगे। अब हम इसमें मैंगो क्रीम डाल देंगे। तो आधे ग्लास दूध में 4-5 चम्मच मैंगो क्रीम डाल दें, यह बच्चों को बहुत पसंद आता है। इसके ऊपर काजू बादाम पिस्ता से गार्निश कर दें। तो चलिए अब हम आइसक्रीम बना लेते हैं। इसके लिए मैंने टिफ़िन बॉक्स लिया है, हम इसमें मैंगो क्रीम डाल देंगे। आप चाहें तो और किसी बर्तन में भी जमा सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर फॉइल पेपर लगा लेंगे जिससे इसके ऊपर आइस की परतें न जमें। इसके ऊपर टिफ़िन का ढक्कन लगा लेंगे और फॉइल पेपर को ऊपर की तरफ मोड़ लेंगे जिससे ज़रा भी एयर अंदर न जाए। अब हम किनारे से टिफ़िन का क्लिप लगा देंगे और इसे हम 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। 8 से 10 घंटे बाद आइसक्रीम अच्छी तरह से जमकर तैयार हो गई है और अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बड़े बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लेंगे और इसमें थोड़ी देर ये टिफ़िन रख देंगे जिससे किनारे से ये आइसक्रीम अच्छी तरह से छोड़ दे। अब हम इसे एक ट्रे में निकाल लेंगे, ऊपर से टैप कर लेंगे और ये आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से जम गया है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स से गार्निश कर लेंगे। अब हम इन्हें काट कर प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो ये आइसक्रीम बहुत ही बढ़िया जमा हुआ है और ये देखिए, इस तरह से आप भी अगर आइसक्रीम बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया जमकर तैयार होगा और बहुत ही खाने में टेस्टी लगेगा। ये आइसक्रीम बहुत क्रीमी बनते हैं, आप देख सकते हैं ये कितने क्रीमी बने हैं, ये देखिए। तो इस तरह से आइसक्रीम बहुत ही आसानी से और बहुत टेस्टी बनता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। धन्यवाद।